एकदम यूनिक लेकिन बहुत ही सिंपल सा ये शिमला मिर्च की पार्टी वाला स्नैक्स को आप जब मर्जी बना सकते हैं, फिर चाहे वो शाम की स्नैक्स हो या फिर घर में कोई भी पार्टी। तो यहाँ पे मैंने बस 2 शिमला मिर्च ली है और इसे मैंने अच्छे से धो के पोंछ के लिया है। अब इसे काट लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले ऊपर से ये डंठल को ऐसे घुमा के काटेंगे और मिर्च से अलग कर देंगे, ये देखिए। और फिर लंबाई में इसे बीच में से 2 हाफ में काटेंगे और अंदर जो ये सीड्स है इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। और यहाँ मैंने थोड़े बड़े साइज की शिमला मिर्च ली है, लेकिन आप चाहे तो इसे छोटे वाले भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही दोनों शिमला मिर्च को काट के सारे सीड्स को हम निकाल लेंगे। और अब इस बोल में लेंगे 1/2 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/4 कप स्वीट कॉर्न, 2 कटी हुई हरी मिर्च और यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर ली है। तो पनीर को ग्रेटर से ग्रेट कर लूंगी। इससे जब हम शिमला मिर्च को खाएंगे ना तो ये स्टफिंग बहुत अच्छे से मुंह में घुल जाएगा। तो पनीर को छोटे टुकड़ों में काटना नहीं है और मिक्सी में चलाना भी नहीं है, बस ऐसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेना। और अब इसके साथ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, करीबन 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो, 2 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप, 1 बड़ी चम्मच रेड चिली सॉस और 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अब इन सारे चीजों को अच्छे से हम मिलाएंगे। इसे हमें हाथों से मसलना नहीं है, बस हल्के हाथों से चम्मच से ऐसे ऊपर नीचे करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप चाहे तो थोड़ी बहुत बॉइल्ड आलू को स्मैश या फिर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें पाव भाजी मसाला या किचन किंग मसाला या फिर तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये स्टफिंग हमारा बन चुका है। अब ये शिमला मिर्च के आधे पार्ट को लेंगे और अच्छे से अंदर और बाहर तेल लगा देंगे। इसे जब हम पैन में इसे पकाएंगे तो शिमला मिर्च बहुत अच्छे से कुक हो पाएगा। अब 1-1 चम्मच करके स्टफिंग को लेंगे और अच्छे से कोने कोने तक भर भर के स्टफिंग को भरेंगे। स्टफिंग को बहुत अच्छे से हमें अंदर टिका देना है और फिर उंगलियों से भी थोड़ा ऐसे दबा देंगे ताकि ये स्टफिंग कुक होते वक्त बाहर ना निकले, ये देखिए। तो अब ऐसे ही बाकी के शिमला मिर्च को भी तैयार कर लेंगे। और अब पैन में करीबन 1 चम्मच तेल डालेंगे और कलची से ऐसे चारों तरफ में फैला देंगे और तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। और अब 1-1 करके ये शिमला मिर्च को ऐसे उल्टा करके पैन में रख देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर करीबन 5 मिनट इसे नीचे से सेक लेंगे। और अब 1-1 करके इसे ऐसे पलट देंगे और इस शिमला मिर्च को दूसरे तरफ से भी अच्छे से पकाएंगे। तो अभी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा चीज ऐसे ग्रेट करके डाल देंगे। हर शिमला मिर्च के ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा चीज डाल देना, इसे ना सिर्फ ये देखने में बढ़िया लगता है बल्कि इससे इसका टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाएगा। और अब इसे हम ढक के पकाएंगे क्योंकि ढक देने से अंदर में जो भाप जमेगा उससे शिमला मिर्च बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो जब तक ना ये ऊपर की चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक इसे हमें ढक के पकाना है। ये देखिए करीबन और 5-6 मिनट में ही ऊपर का चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब शिमला मिर्च भी अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अभी फ्लेम को ऑफ करके इसे निकाल लेंगे और सर्विंग से पहले गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और पिज्जा सीजनिंग ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। इसे ये देखने में और खाने में भी और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल लेकिन टेस्टी शिमला मिर्च की पार्टी वाला स्टार्टर आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। चलिए मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।